Hello children, in this video I am going to solve your queries. Some of you have problems in question number 7 and 9 of 4.2 exercise and also question 18 of 4.5 exercise. So in this video I am going to solve your queries. Besides these queries, then there is a property of determinant also that I am going to discuss in this video, and a question based on that property also will be done. So let's continue. Let's start with question number 7 here. Question number 7 of 4.2, I have already done in one of the videos earlier, but at that time I had done by expanding in the last stage. But in some of the NCERT books, question number 7 has to be done without expansion. So let's see how we will do question number 7 without expanding. Initial steps are the same as we have done in the earlier I have done with you. So the same procedure will be followed in the initially. But in the last stage, instead of expanding, we'll write the answer by without expansion. Let's see how we do it. So we start as usual, determinant. Let the determinant on the left hand side represent by delta. So we take ABC common from the first row, second row and third row respectively. After taking ABC common, this is what we get. Minus A. A common liya humne first row se. Similarly B common liya, so this step is totally same. Matlab beginning ke steps to bilkul same hai, to yahan tak koi changes nahi hai, but ab aapko last mein kya karna that I'll explain. So yahan tak to I'm going to do the same thing that I did in the video that I made for question number 7 exclusively. To ye sab steps same hai, maine common le liya C A B C ab respective columns se. तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कर लिया इस मेथड से. तो इतने स्टेप्स तो आपको पता ही है कैसे करना है. अब यहां तक भी इवन जीरोस क्रिएट करने तक भी सेम है. कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 किया एंड देन कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 किया. तो अप टिल देयर देयर इज नो चेंज, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर आल्सो. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज समथिंग व्हिच यू हैव टू टेक नोट ऑफ. मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई करने वाली हूँ जो मैंने अभी जिक्र किया था कि आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स दैट वी हैव नॉट डन. सो नोट दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो. दिस प्रॉपर्टी इज दैट इफ टू रोज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन वट हैपन्स टू द डिटर्मिनेंट. इस प्रॉपर्टी को हम खुद ही डिराइव कर लेते हैं. अगर हम कोई भी दो रोज और दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो रो वन और मान लीजिए रो आई है कोई और रो जे के साथ हमने उसकी एंट्रीज इंटरचेंज कर दी, या हमने दूसरा या तो हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, दो कॉलम्स कॉलम आई और कॉलम जे इंटरचेंज कर दिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है वो हम असेस करने वाले हैं अभी इस प्रॉपर्टी के अंडर. तो ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने नहीं की अभी तो किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई नहीं हुई थी, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए विदाउट एक्सपेंशन अगर हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो यहां पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करने वाली हूं. तो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉपर्टी एंड प्लीज नोट दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं की हुई है. इन द वीडियोज ऑन प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स दिस प्रॉपर्टी वॉज स्किप्ड. तो नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज वेरी रेयरली यूज, बट इफ इट इज यूज ऑब्वियसली देन इट्स अ यूनिक क्वेश्चन. इस प्रेजेंट क्वेश्चन जब हमें विदाउट एक्सपेंशन करना है, और एक और क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ इस प्रॉपर्टी पे इस वीडियो में बाद में. सो इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू द डिटरमिनेंट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूड हियर इन दिस अभी राइट नाउ. लेट्स सी, हम एग्जांपल सिंपल से ले लेते हैं. कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का लिया है. इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत जल्दी हो जाता है, तो बहुत जल्दी कंक्लूजन निकल जाएगा. 4 - 6 - 2 डिटर्मिनेंट है इसका. अब मैंने दो कॉलम चेंज इंटरचेंज, कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज कर दिया. मान लीजिए दो रोज इंटरचेंज या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं, तो आउटकम वही आता है. दो या आप दो रो इंटरचेंज करें या दो कॉलम इंटरचेंज करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या असर पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. सो मैं दो कॉलम्स इंटरचेंज कर रही हूँ यहाँ पे, कॉलम 1 और कॉलम 2 इनकी एंट्रीज इंटरचेंज कर रही हूँ. तो व्हाट डू वी गेट, ओके डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, ये 2 4 आ गया फर्स्ट कॉलम में
वन के लिए चला गया सेकेंड कॉलम में, तो कॉलम वन और कॉलम टू की एंट्रीज इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, टू. डू यू फाइंड एनी रिलेशन? द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इज सेम, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम, साइन हैज रिवर्स्ड, गॉट रिवर्स्ड. तो यही हमारा कंक्लूजन है. Whenever any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant, kya answer iska? It becomes negative. The value of the new determinant is negative of the value of the original determinant. To ye aap note kar sakte hain. Ek property aur hai. You can add this one more property in your list of properties of determinants. So if any two rows, any two columns are interchanged, then the value of the new determinant is what? Negative of the value of the original determinant. That's what we have concluded from this example. You can try and take more examples from your side, you will get the same result. Ki absolute value same rehti hai, determinant ka kya sign change hua hai. Columns interchange karne pe, do columns ya do rows interchange karne pe, determinant ka sign reverse ho jata hai, matlab new determinant ki value, ऑल्दो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, साइन रिवर्स हो जाता है. तो नेगेटिव था अगर ओरिजिनल वैल्यू का डिटरमिनेंट, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, न्यू वैल्यू द डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर पॉजिटिव था होता ओरिजिनल वैल्यू द डिटरमिनेंट, तो न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव. तो ये आप प्रॉपर्टी एक तो नोट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं. लेट्स सी हाउ वी गोइंग टू अप्लाई दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर कैसे करेंगे इसको अप्लाई, लेट्स सी. तो अगले स्टेप में जाते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो रोज इंटरचेंज, दो कॉलम्स इंटरचेंज करने वाले हैं. ये कॉलम थ्री और कॉलम टू इंटरचेंज करने वाले हैं. क्यों इंटरचेंज करने वाले हैं, आई लेट यू नो आफ्टर आई कंप्लीट द एक्सप्लेन द आंसर. तो आई एम गोइंग टू इंटरचेंज कॉलम टू एंड कॉलम थ्री. सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बिकम नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल. तो आप चेक करते जाइए, मैंने क्या किया, कॉलम टू और कॉलम थ्री की एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. मैंने नेगेटिव लगा दिया ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट माइनस वन, और मैंने इंटरचेंज किया. तो यहां पे देखिए कॉलम वन में कोई चेंजेस नहीं हुए, कॉलम थ्री की एंट्रीज कॉलम टू में डाल दी है, कॉलम टू की एंट्रीज कॉलम थ्री में चली गई, तो इंटरचेंज हो गई है. देखिए यही किया मैंने, 020 कॉलम 2 में आ गया, 002 कॉलम 3 में आ गया. तो डिटरमिनेंट आपका इस तरह हो गया है, डिटरमिनेंट का साइन हमने रिवर्स कर दिया, प्रॉपर्टी यूज कर लिए, वी हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टी हियर. लेट्स सी नाउ अब क्या करना है. यहाँ पे टू कॉमन फैक्टर है कॉलम 2 में, टू कॉमन फैक्टर है कॉलम 3 में. तो वी कैन टेक टू कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ द कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो टू कॉमन ले लिया फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो अंदर क्या आता है, लेट्स सी. क्योंकि हमें एक्सपैंड नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं. अगर एक्सपेंशन का क्लॉज नहीं होता, तो विदाउट एक्सपेंशन क्लॉज नहीं होता, तो हम ऐसे ही कर लेते जैसे हमने पहले वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 7. सो दिस टाइम विदाउट एक्सपेंशन करना है, तो कहीं भी एक्सपैंड नहीं करने वाले, किसी भी स्टेज में नहीं करने वाले. तो अभी हम क्या करने वाले, मुझे क्या करना है, मैं डिटर्मिनेंट बना दूंगी अभी. वट एवर आई हैव गॉट द एंट्रीज विद इन द डिटर्मिनेंट एंड आई एम गोइंग टू मेक इट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स. डू यू रिमेंबर वॉट इज द यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स के बारे में कुछ याद है? आई से रेफर करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी सारे डायगनल एंट्रीज वन होते हैं, नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक दिस डिटर्मिनेंट, एंट्रीज ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एज पर द एंट्रीज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगनल एंट्रीज को मैं वन करूंगी और नॉन डायगनल एंट्रीज को जीरो. ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन, ये तो हमें पता ही है बिना एक्सपेंशन के. तो यहां कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है. Determinant of I is always 1. You can note down it as a fact. Identity matrix का determinant क्या होता है भाई, हमेशा 1 ही होता है. Identity matrix का determinant 1 ही होता है, तो इसको expand करने की जरूरत तो है नहीं. तो directly मैं कह सकती हूँ identity matrix का determinant 1 होता है, तो without any expansion I can say it. तो अगर मैंने यहाँ पे
नॉन डायगनल एंट्रीज को जीरो कर दिया और डायगनल एंट्रीज थ्रू आउट वन हो गई, तो माय वर्क इज ओवर विदाउट एक्सपेंशन, माय रिजल्ट विल कम आउट। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए, दो, और यहाँ पे माइनस वन की जगह प्लस वन चाहिए। लेट्स डू दिस वर्क नाउ। अगर यहाँ पे मुझे जीरो चाहिए तो क्या कर सकते हैं, रो थ्री प्लस रो वन, एंड जीरो आ जाएगा यहाँ पे, रो थ्री प्लस रो वन करेंगे तो। और दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं रो टू प्लस रो वन, उससे यहाँ जीरो आ जाएगा, हमारा वर्क होने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। जस्ट सी इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन रो थ्री प्लस रो वन एंड साइमल्टेनियसली रो टू में भी मैं कर सकती हूँ चेंजेस। मुझे यहाँ जीरो चाहिए, ऑफ डायगनल एलिमेंट जीरो करने हैं, जिसे जीरो बनाना है, तो आर टू प्लस आर वन, तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, इन द सेकेंड रो आई एम गोइंग टू मेक अप्लाई दिस ऑपरेशन आर टू प्लस आर वन, तो वन 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 माइनस वन हो गया जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो तो एज इट इज। ओके सेम थिंग वी हैव टू डू इन द रो थ्री, को मैं ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो थ्री प्लस रो वन कर देते हैं, यहां पर भी जीरो वन। तो देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट है ये अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वेरी क्लोज है, ओनली थिंग ये माइनस वन का प्रॉब्लम है। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस माइनस वन प्रॉब्लम। आप ये माइनस वन कॉमन ले लीजिए फ्रॉम कॉलम वन, टेक माइनस वन कॉमन फ्रॉम कॉलम वन, तो माइनस वन बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, ये माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। सो वी हैव गॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इस रिजल्ट इज वन, ये इतना वन है बिना एक्सपेंशन के, ये वन है। ऑलवेज टेक नोटिस ऑफ दिस फैक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन। सो विदाउट एक्सपेंशन द रिजल्ट इज फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेरी आई सपोज सब बच्चों की सॉल्व हो चुकी होगी, दोज हू हैड प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर सेवन। नाउ वी मूव ओवर टू क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सम ऑफ यू हैव प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन नंबर नाइन। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन नंबर नाइन टिल द स्टेज वेयर ऑल द वंस और कॉमन फैक्टर हैड कम आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो वो स्टेप के बाद बच्चों से नहीं हुआ है, तो वो स्टेप के बाद ही मैं समझाती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर नाइन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने बताया था कैसे वन हो गए हैं पूरे एक रो में या कॉलम में, कहा विल डू दैट स्टेप, उस स्टेप के बियॉन्ड करेंगे। ऑलराइट चिल्ड्रन, दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन एंड आई हैड डन अप टिल हियर इन द वन ऑफ द वीडियोस दैट आई मेड फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन, बट फ्यू ऑफ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम आफ्टर दिस ऑल्सो, आफ्टर मेकिंग द जीरोज यू आर हैविंग प्रॉब्लम, लेट मी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर। तो आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन करके आपने जीरोज क्रिएट कर लेने हैं, वो आपकी चॉइस है। यू कैन क्रिएट जीरोज एट एनी टू प्लेसेज इन द कॉलम थ्री, इट्स अप टू यू। सो आर थ्री माइनस आर वन आई एम क्रिएटिंग टू जीरोज हियर, सो वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड की इसका रिजल्ट कैसा हो जाएगा जीरोज क्रिएट करने पे। ये यहां तक भी किया है आप लोगों ने, जिसने बहुतों ने, मनी ऑफ यू हैव डन इट, बट दोज हू हैवन डन इट सो गो थ्रू दिस। इसके बाद क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो ऐसे जैसा कोई क्लॉज नहीं है कि आपको विदाउट एक्सपेंशन करना है, तो इसमें हम एक्सपैंडिंग कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सपैंड अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो एज यू कैन नॉट अलॉन्ग फर्स्ट रो सॉरी वील एक्सपैंड अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम फर्स्ट कॉलम नहीं सॉरी कॉलम थ्री, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम थ्री, so we'll multiply 1 by score factor, we get the determinant as this, the determinant reduces to a determinant of order 2 by 2 and some of the, even you can see all these entries of this determinant are new determinant ho gaya, determinant reduce ho gaya 3 by 3 order se 2 by 2 order ka ho gaya, usme kuch common factors aapko dikhenge, agar aap identity apply kar lijiye, first apply the identity, iske factors kya hai, y minus x, y plus x, y cube minus x cube के factors, so that this way all the factors you can write down, you know the identities well, so you can add on the factors, z minus x, z plus x, z minus x, z square plus x square plus zx. So after applying the identities, we see the common factors clearly along the first
row. This is the common factor along the second row. So the common factors are bahar nikal lijiye. Just take the common factors outside the determinant. Y minus x, z minus x, hum nikal lete hain bahar. Let's see what we get after. So after taking y minus x, z minus x outside the determinant, from the row 1 and row 2, humne y minus x, z minus x common le liya respectively. These are the entries that we have in the determinant. We will now solve this determinant. How do we solve a determinant of order 2 by 2? You know it. Product of diagonal minus product of off-diagonal elements. So product of diagonal elements, y into z square plus x into z square. Likewise, y into x square plus x into x square plus y into zx plus x into zx. तो ये हम नेक्स्ट बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं. माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगनल जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर. माइनस बाहर निकाल दिया हमने तो जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई एक्स दैट इज वाई एक्स स्क्वायर. Alright, this bracket has to be further simplified. The square bracket के जो terms हैं उसको simplify करते हैं और yz square plus xz square plus yx square. You will find some of the terms will get cancelled out. तो हमने ये जो minus है ये minus sign हटा देना है bracket के बाहर. Bracket खोल देते हैं. All the terms inside the bracket will change their sign. So all the terms inside the bracket have become negative after opening the bracket. So this is what we are getting after opening the bracket. Terms which are going to get cancelled out. Let's cancel those terms. Minus yx square. Let's just go through all the terms which can be cancelled here. Plus yx square minus yx square. Zx square minus zx square. Minus zy plus yzx. So what are we left with? 1, 2, 3, 4 terms. Let's take up these 4 terms in the next step. Okay, we have to simplify these 4 terms. Yz square plus xz square minus zy square minus xy square. Now you have to do some grouping here. Pairwise grouping kar lijiye so that you can simplify this 4 terms. Factorization you can do further. You can see a common factor evolving. Common factor coming outside the bracket from you. Koi common factor hai, throughout to koi common factor nahi hai. बट पेयर वाइज इफ यू ग्रुप टूगेदर यू गेट अ कॉमन फैक्टर. अब पेयर वाइज का जो सिलेक्शन है ना वो आपको करना है. फर्स्ट टू का पेयर ग्रुप बनाते हैं या पेयर बनाते हैं तो आप देखिए क्या आता है. जेड स्क्वायर कॉमन लिया वाई प्लस एक्स आया अंदर. इन लास्ट टू में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया जेड प्लस एक्स आया. तो यू कैन सी जब हम फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं तो वाई प्लस एक्स आता है. जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई प्लस एक्स आता है. यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेते जेड प्लस एक्स आता है. अल्टीमेटली कॉमन फैक्टर नहीं आता अगर हमें पेयरिंग सीधी ऐसे करे दो. ये पेयरिंग वर्क नहीं कर रहा है. एज पेयरिंग इज नॉट वर्किंग हम पेयरिंग चेंज करते हैं. फर्स्ट टू के बजाय फर्स्ट थर्ड का पेयरिंग करते हैं. फिर बाकी दो तो आपस में ही पेयर होंगे. दे विल बी लेफ्ट आउट. सो विल मेक अ ग्रुप पेयर ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड. अब फर्स्ट एंड फोर्थ का पेयरिंग क्यों नहीं किया वो भी आप अपने आप ट्रायल चेक कर सकते हैं. फर्स्ट और फोर्थ का पेयरिंग करेंगे तो मिडिल टू की पेयरिंग के साथ उसका अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर थरली नहीं आता ब्रैकेट के बाहर. व्हाट आर वी वांटिंग इज अ कॉमन फैक्टर व्हिच कम्स आउट थरली फ्रॉम द कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड. एक कॉमन फैक्टर हमें ऐसा चाहिए जो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का कॉमन फैक्टर हो. दिस शुड बी अ कॉमन फैक्टर दैट वी कैन टेक आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. तो ऐसा कॉमन फैक्टर अगर आपको चाहिए तो पेयरिंग आपको पेयरिंग का सिलेक्शन अच्छी तरह से करना है. फर्स्ट सेकेंड का पेयरिंग कैंसिल आउट किया मैंने क्योंकि वी डिडंट फाइंड एनीथिंग कॉमन आफ्टर पेयरिंग द फर्स्ट. मतलब फर्स्ट टू में तो कॉमन है लास्ट टू में भी कॉमन है. आफ्टर दैट स्टेप फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें थ्रू आउट कोई कॉमन नहीं आता बाहर. जैसे देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड का पेयरिंग करते हैं और सेकेंड और फोर्थ का करते हैं तो आपका कैसा रिजल्ट आता है. आप दोनों तरीके से ट्राई करना पेयरिंग चेंज करके करना. देखना आप यू विल फाइंड अगर कोई और पेयरिंग लेंगे ना फर्स्ट एंड फोर्थ की पेयरिंग लेंगे या सेकंड और थर्ड की पेयरिंग लेंगे आपस में तो रिजल्ट आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं बिकॉज यू वोंट गेट एनी कॉमन फैक्टर आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. अगर फर्स्ट और थर्ड की पेयरिंग क्यों ले रही हूँ देखो वाई जेड और जेड वाई दोनों में क्या कॉमन है. वाई जेड कॉमन है
तो अंदर क्या है ब्रैकेट के, z माइनस वाई। अगर आप राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, x माइनस वाई आ रही है, ये राइट हैंड साइड है y माइनस z, z माइनस x, देन ये राइट हैंड साइड है, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, तो मैंने ये राइट हैंड साइड, आई हैव रिटन द राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड को फॉलो करें, x माइनस वाई आना चाहिए, अभी तक तो नहीं आ रहा है, पर हाँ ये आ रहा है ना, वाई माइनस एक्स है, इसका नेगेटिव है, चलता है नेगेटिव साइन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। z माइनस एक्स भी आ रहा है, y माइनस जेड कहां से आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से ही आएगा। तो जब मैंने वाई जेड स्क्वायर और माइनस जेड वाई स्क्वायर का पेयरिंग किया तो अंदर क्या आ रहा है, जेड माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में वाई माइनस जेड चाहिए, एक दूसरे के नेगेटिव है, साइन तो हम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके, तो हमारा पेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड का पेयरिंग परफेक्ट है। अब जो रिमेनिंग टू है वो आपस में पेयर कर लो, एक्स को कॉमन लिया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी देखिए जेड माइनस वाई कॉमन फैक्टर आ रहा है थ्रू आउट, इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो जेड माइनस वाई थॉरली कॉमन आ रहा है फ्रॉम द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट्स व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन बिगिनिंग इन द इनिशियल स्टेज, अभी फ्यू मिनट्स बैक, कि कॉमन थ्रू आउट द स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, जेड माइनस वाई कॉमन हुआ ना, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक जेड माइनस वाई होता है, एक जेड प्लस वाई होता है, तो जेड माइनस वाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या आएगा, वाई जेड प्लस एक्स टाइम्स जेड प्लस वाई, बिकॉज जेड माइनस वाई तो बाहर आ गया, जेड प्लस वाई। सो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। अभी मैंने राइट हैंड साइड को जो मैंने स्क्वायर बैक, ये राइट हैंड साइड था हमारा, दिस वाज द राइट हैंड साइड, इसके इक्वल आ जाएगा, देखिए y माइनस एक्स को हम ले सकते हैं, कॉमन लीजिए माइनस बाहर लेते हैं, x माइनस वाई, फिर y z माइनस वाई से भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, और z माइनस एक्स को एज इट इज उतार देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। यू कंपेयर आर आंसर रिजल्ट विद द राइट हैंड साइड टर्म्स, राइट हैंड साइड के फैक्टर्स देख लीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस जेड एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो ट्राई दिस आंसर अगेन एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम गो थ्रू द वीडियो एंड रीट्राई। ओके चिल्ड्रन, लेट्स टेक अप एग्जाम्पल 15, दिस इज पेज 117 इन सीईआरटी एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी दैट आई डिस्कस इन दिस वीडियो अ फ्यू मिनट्स बैक। आई सेड दैट इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स द न्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू द न्यू डिटर्मिनेंट इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ और चेंजेस इज साइन और इट इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन। सो द न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू द न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस वन ऑफ द क्वेश्चन बिफोर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस की थी। इसी प्रॉपर्टी से हम ये क्वेश्चन 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इट्स ए गुड क्वेश्चन ऑल्सो। आप इस क्वेश्चन के अंदर मतलब आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हो। आपने जो क्वेश्चन नंबर अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो आपने किया भी है असाइनमेंट में, 8 का फर्स्ट पार्ट है ना, वो भी आफ्टर शॉर्ट वाइल इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। तो इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज कंटेनिंग इन सेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट ऑल्सो। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड व्हाट वी टू शो हियर इज दिस थिंग, यू ऑलरेडी बीन गिवन दैट दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज गिवन जीरो, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू शो दैट 1 plus xyz is 0. So to do this, how will we begin? The answer is, determinant 0 diya, so let's begin with this information. Let's write on the determinant entries. Notice the entries, do you find anything common? Common to nahi dikh raha hai, but aapko last column mein ye binomials dikh rahe hain. Iski value 0 de rakhi hai. So we can split the whole determinant with respect to column 3 into two determinants. तो दो डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। एक हो गया डिटरमिनेंट में, लेट्स से वन डिटरमिनेंट कंटेन्स फर्स्ट टू कॉलम्स एज इट इज, वन फर्स्ट डिटरमिनेंट में कॉलम 3 में 1 थ्रू आउट, और सेकंड डिटरमिनेंट में थर्ड कॉलम में
ये एंट्रीज एलजेब्रिक वाली एंट्रीज. तो लेट्स डू दिस स्टेप हियर. सो वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स हियर. With respect to column 3, we have splitted the determinant into 2 and its value of sum of these two determinants is equal to 0. Ye question mein diya hua hai. Yahan likho 0 ya yahan likho whichever you want. Write 0 ke intern ka sum 0 hai. Ab aap dhyan se dekhen isme second determinant mein kuch common factors dikhenge aapko. There are common factors. X is common in the first row, Y is common in the second row, Z is common in the third row. सो कैन वी टेक इट. इसमें कुछ गलती हुई है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इक्वल आ रहे हैं. समथिंग क्वेश्चन में ही गलती हुई है. इट इज क्यूब इन प्लेस ऑफ दिस वन. ओके मिस्टेक हियर. लेट्स करेक्ट इट. 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब है ये. तो लेट्स मेक दिस करेक्शन हियर. इट्स 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब. तो यहां पर भी एक्स क्यूब, वाई क्यूब, z cube. Okay, make the changes in the portion, this portion, x cube, y cube, z cube. Now, so we find x is a common factor because otherwise kya ho raha tha pehle to ye do row columns na same ho jate to ye to zero ho jata. Hamara answer alag bilkul ek determinant zero ho jata. Jo humne galtiyan ki na wo theek kar lete hain. Ya x cube, y cube, z cube hai. All right, after doing this changes in the answer question, so a determinant is लास्ट ये फर्स्ट डिटरमिनेंट को एज इट इज रखते हैं और सेकंड डिटरमिनेंट में से एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा बाहर. फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन लिया तो व्हाट डू वी गेट हियर. वन एक्स देन वाई कॉमन लिया, वन वाई वाई स्क्वायर, वन जेड. तो ये देखिए कॉमन लेने के बाद डिटरमिनेंट की एंट्री सेकंड डिटरमिनेंट में ऐसी हो गई है. अब फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट की एंट्री सेम है बट अरेंजमेंट में फर्क है. यहाँ कॉलम 3 में 1 एंटायरली, वहां कॉलम 1 में एंटायरली 1 है. कॉलम 2 में वहां स्क्वायर के टर्म्स हैं, कॉलम 3 में स्क्वायर के टर्म्स हैं. कॉलम 1 में एक्स वाई जेड है, कॉलम 2 में. तो अगर हम थोड़ा रिशफलिंग करें कर सकते हैं ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी. हमने जो अभी कहा था ये कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं. तो वी कैन इंटरचेंज टू कॉलम्स एंड वी कैन से दिस डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की एंट्रीज को हम सेम अरेंजमेंट में लिख लेते हैं. जैसे यहां 1 1 है तो इसको भी 1 1 कॉलम 1 में लाना है. अगर हमें इसे कॉलम 1 में लाना है तो कॉलम 1 और कॉलम 3 इंटरचेंज कर देते हैं. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बट साइन ऑफ डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा. तो अगले स्टेप में यही करने वाले हैं, कॉलम 3 और कॉलम 1 इंटरचेंज करने वाले हैं. तो यहाँ पे 1 1 1 यहाँ आ जाएगा कॉलम 1 में, एक्स वाई जेड कॉलम 3 में चला जाएगा और डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, रिवर्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप. सो आफ्टर इंटरचेंजिंग कॉलम 3 एंड कॉलम 1 एंट्री, दिस इज व्हाट द एंट्रीज ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट आर. आर दे इन द सेम वे ऑर्डर एज द एंट्रीज ऑफ द सेकेंड डिटर्मिनेंट. थोड़ा बहुत अभी भी रिशफलिंग और हमें इंटरचेंज कॉलम्स करना रहे. सम अरेंजमेंट प्रॉब्लम स्टिल लेफ्ट. कॉलम 2 की एंट्रीज यहाँ पे स्क्वायर में, वहां कॉलम 3 की एंट्री स्क्वायर में है. तो अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को अब इंटरचेंज कर दे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, तो एग्जैक्टली कॉलम डिटरमिनेंट 1 की एंट्रीज और डिटरमिनेंट 2 की एंट्रीज सेम अरेंजमेंट में आ जाएंगी. सो वी कैन डू दिस थिंग हियर इन द नेक्स्ट स्टेप. कॉलम 3 और कॉलम 2 की एंट्रीज. ओके मैंने साइन ऑफ डिटरमिनेंट रिवर्स नहीं किया, प्लीज दिस यू टेक नोट ऑफ. साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्यों नेगेटिव हो गया है, बिकॉज प्रॉपर्टी अप्लाई की है. क्योंकि हमने कॉलम 3 कॉलम 1 इंटरचेंज किया था, साइन ऑफ डिटरमिनेंट अपोजिट हो गया तो माइनस इसीलिए आया. अब हम दोबारा से कॉलम्स इंटरचेंज करने वाले हैं. कॉलम 2 स्क्वायर के टर्म्स कॉलम 3 में भेजने वाले हैं और एक्स वाई जेड हम कॉलम 2 में. तो कॉलम 3 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स इंटरचेंज होने वाले हैं. तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, फिर रिवर्स, माइनस से प्लस हो जाएगा. तो आपकी एंट्री इस तरह आ जाएंगी, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस एक्स वाई जेड, 1 x x square, 1 y y square, 1 z z square. तो द फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट आर नाउ एग्जैक्टली इक्वल टू इच अदर. द एंट्रीज आर इन द सेम ऑर्डर. सो वी कैन टेक द डिटरमिनेंट कॉमन, विद इन द ब्रैकेट विल गेट 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड डिटरमिनेंट के एंट्रीज नोट कर लेते हैं. द डिटरमिनेंट हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहां से 1, यहां से x प्लस एक्स वाई जेड. तो डिटरमिनेंट कॉमन लेने की सिचुएशन ऐसी हो गई और डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेंबर 0 थी. क्वेश्चन में दिया था डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 दी हुई थी, तो इसकी वैल्यू 0 है.
अब इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट जीरो है तो या तो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी जीरो. सो प्रोडक्ट ऑफ द टू इज जीरो मीन्स वॉट, आइदर बोथ आर जीरो और एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो ना. तो वन प्लस एक्स वाई जेड जीरो हुआ या ये डिटर्मिनेंट जीरो हुआ. तो अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें. अब मैं आपको बताने वाली, देखो ये क्वेश्चन नंबर मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन नंबर एट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ही है. ओनली थिंग वहां ए ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर एबीसी में दिया है, बट डिटर्मिनेंट बिल्कुल वही है. उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, ए माइनस बी. आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट, अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट बुक में ये देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट वही है एंट्रीज, ओनली थिंग एबीसी की जगह एक्स वाई जेड है इस टाइम. तो ये देखिए इसका रिजल्ट क्या आया था, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए. तो अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, बट आपको तो पता है क्वेश्चन एट फर्स्ट पार्ट आपने किया असाइनमेंट में. तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, इसका रिजल्ट आ जाएगा. आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपने किया हुआ एक्चुअली क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, वो ए बी सी में था. एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये फैक्टर्स आएगी और ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी जीरो है, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट जीरो था ना. तो ये भी जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, इधर वन ऑफ देम जीरो होंगे, दोनों भी जीरो हो सकते हैं. बट हमें जो प्रूफ करना है, गो टू द आंसर क्वेश्चन इज, यू टू शो दिस इज जीरो और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है अभी तक, ये जीरो आ रहा है. ठीक है, वेरी वेल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इसका आंसर, हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा है ये. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए बस, मतलब ये नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोनों तीनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, ये बताना है हमें. ये इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था एक्स वाई जेड डिफरेंट है. अगर तीनों डिफरेंट है तो ऑब्वियसली एक्स अगर वाई के इक्वल नहीं है, वाई जेड के इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है, तो एक्स माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता, वाई माइनस जेड जीरो नहीं हो सकता, लाइक वाई जेड माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता. आ जाएगा अगर तीनों ही जीरो नहीं हो सकते तो उनका प्रोडक्ट कैसे जीरो हो सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल इज नॉट पॉसिबल, इस पॉसिबिलिटी इज टोटली नलीफाइड, ये नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा आंसर है वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू शो. ट्राई दिस आंसर, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन. ट्राई दिस वन. All right, a few of the students had a problem in this question 18th. It's a very old problem, but I didn't get that. I couldn't solve it in our previous videos. तो ये question रहता है कि कुछ लोगों के doubts queries में था ये. If A is an invertible matrix of order 2, then what is the determinant of A inverse equal to? तो A invertible matrix दिया order 2 की. तो determinant of A inverse कितना होगा इनमें से? Let's see. अगर A invertible matrix है order 2 का, तो आपको पता है अगर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई. इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड इफ ए इनवर्स की डेफिनेशन यही है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू डी मैट्रिक्स इन एनी ऑर्डर. ए इनवर्स इंटू ए बोलो या ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का रिजल्ट क्या आएगा. तो मैंने क्या करना है, ये डेफिनेशन में अप्लाई कर देना डिटर्मिनेंट थ्रू आउट बोथ साइड्स. वी आर गोइंग टू अप्लाई डिटर्मिनेंट थ्रू आउट इन दी होल इक्वेशन ऑफ दिस डेफिनेशन. डेफिनेशन में थ्रू आउट डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया. डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसिस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स, ये प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द वीडियोस में पहले किया भी है. डिटर्मिनेंट ऑफ आई होता है वन. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स लिख लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड ए इनवर्स सेपरेट कर दिया. और डिटर्मिनेंट ऑफ आई हमने पहले भी कहा वन होता है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ट्रांसपोज कर दो यहाँ पे, तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट्स द आंसर. डिटर्मिनेंट ऑफ ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, बी से मैच कर रहा है. B के इक्वल आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर. दोज हू हैड प्रॉब्लम्स इन दिस, सॉल्व नाउ फ्रॉम 4.15 क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू. अब कुछ एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज 4.2 में भी है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ओके 4.2 के एमसीक्यूज कर लेते हैं इसमें.
Let A be a square matrix of order 3 by 3, then the determinant of KA is equal to, determinant of KA का मतलब क्या पहले, A कितनी order की square matrix का order दिया है, 3 by 3, so A का order दिया है, square matrix of order 3 by 3, और हमें पूछा है determinant of KA कितना होगा, determinant of KA, K is a scalar, और scalar multiplied by matrix का मतलब पता होगा, हमने chapter 3 में किया हुआ है, Scalar into a matrix means each and every element of the matrix A is multiplied by scalar K. तो इसकी value कितनी, इसका result किसके equal आएगा? ये four options are given to us. So there C क्या आता है? पहले तो आप simple सी knowledge fact notice कर लीजिए. K का मतलब है every single element of the matrix A is multiplied by K. तो इसका मतलब हर every row में K है, every column में K है. अब हम इसका determinant लेंगे. तो क्या रिजल्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग इफ वी हैव अ कॉमन फैक्टर इन अ रो और अ कॉलम वी कैन टेक इट आउटसाइड द डिटरमिनेंट तो के इज प्रेजेंट इन एवरी रो क्योंकि 3x3 ऑर्डर की का डिटरमिनेंट है तो के हर रो में आ रहा है ना कोई और टर्म भी होगा साथ में के इज कमिंग इन एवरी रो एवरी कॉलम दैट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के तो इस तरह का कुछ है ब्रैकेट का मतलब कोई और एंट्री भी होगी ना ये ए मैट्रिक्स में क्या एंट्री होता हमें पता नहीं है तो वो जो ब्रैकेट के अंदर जो ए के एलिमेंट्स हैं दूसरे एलिमेंट जो कॉमन नहीं है वो उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो के क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है के इज अ कॉमन फैक्टर अलॉन्ग ईच रो तो उसे बाहर निकाल देंगे के क्यूब इंटू अंदर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सी ऑप्शन सी इज वॉट वी आर गेटिंग दी आंसर एज सो आंसर इज ऑप्शन सी सिमिलरली हम नेक्स्ट भी एमसीक्यू कर सकते हैं क्वेश्चन 15 कर लिया 16 भी फिनिश कर लेते हैं ये तो बहुत सिंपल है डिटर्मिनेंट इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स नो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा है डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो फर्स्ट तो रॉन्ग है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स ये भी सही नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेसिफाई होना चाहिए तो ये भी गलत है क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता वी कांट से डिटर्मिनेंट ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज रॉन्ग डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये राइट है दिस इज द राइट वन बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली हैज अ डिटर्मिनेंट इट ओनली हैज अ वैल्यू सो ये सी ऑप्शन इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 14 यू पीपल कैन ट्राई इफ यू डू नॉट गेट द आंसर वी विल डिस्कस इट इन द प्रीवियस इन वन ऑफ द वीडियोस आफ्टरवर्ड्स तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश कर लेना क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश कर लेना फिर एक सारे एग्जाम्पल्स एंड देन मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है वो हम करें कर लेना आप लोग तो एग्जाम्पल सारे कर लेना क्वेश्चन नंबर 12 14 ऑलराइट सो एंड दिस वीडियो बाय चिल्ड्रन